महाराष्ट्र के किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कभी बारिश से फसलें खराब हो रही हैं, तो कभी दाम न मिलने की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय राज्य में हो रही बेमौसम बारिश और बाजारों में सोयाबीन के गिरते दाम की वजह से किसान संकट में हैं। ऊपर से सरकार ने न तो दाम को लेकर कोई काम किया है और न तो प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दे रही है। इन दोनों संकटों का सामना किसानों को एक साथ करना पड़ रहा है। राज्य में इस समय सोयाबीन और कपास फसलों की कटाई चल रही है, लेकिन उसका दाम काफी गिर गया है। अकोला जिले के किसान सोयाबीन के खेतों में खड़े होकर सरकार की निंदा कर रहे हैं। किसानों ने पानी से भरे खेतों में खड़े होकर अपना दर्द बयां किया। एक ओर बाजार में सोयाबीन का भाव सिर्फ 3000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, तो दूसरी ओर बारिश में तैयार फसल खराब हो रही है। हम किसान ऐसी स्थिति में क्या करें? किसानों ने कहा कि अपने 2 एकड़ जमीन में, कुछ किसानों का कहना है कि जिन किसानों ने 2 एकड़ जमीन में सोयाबीन की खेती की थी, लेकिन बारिश के कारण पूरी तरह से फसल पानी में सड़ गई और अब किसान तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अकोला जिले के रहने वाले किसानों ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण पूरी फसलें खराब हो गई हैं। इससे 2 एकड़ के सोयाबीन के खेत में 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। भीगी हुई उपज का दाम बाजारों में एकदम कम मिलता है। मंडी में वैसे भी इस समय सोयाबीन का रेट कम चल रहा है। ऐसे में कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। पिछले साल भी किसानों को सोयाबीन का बेहद ही कम भाव मिला था, जिसके बाद किसानों ने सोयाबीन का स्टॉक जमा कर लिया। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ज्यादातर किसान सोयाबीन की खेती पर निर्भर करते हैं। राज्य में सोयाबीन दूसरी नकद फसल मानी जाती है। ऐसे में एक बार फिर से किसान संकट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।